और नैब लाहौर ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। गुजरात पुलिस की करप्शन का रेफरेंस 60,000 सफात पर मुश्तमिल है। मुलजमान पर 2 साल में कौमी खजाने को 3,95,19,00,000 रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नैब लाहौर ने गुजरात पुलिस करप्शन पर मबनी 60,000 सफात और 228 फोल्डर्स में साबिक DPO एजाज हुसैन समेत दीगर के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल किया। रेफरेंस में साबिक DPO गुजरात राय एजाज हुसैन, कामरान मुमताज, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अफजल को मुलजिम नामजद किया गया है। अख्तर हुसैन शाह, फयाज अहमद और रमीज अहमद भी मरकजी मुलजमान में शामिल है। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुलजमान ने 2 साल के दौरान मुल्क के खजाने को 3,95,19,86,718 रुपए का नुकसान पहुंचाया। गुजरात पुलिस में अरबों रुपए करप्शन इंक्वायरी में 2 अफराद एतराफ जुर्म कर चुके हैं। दो मुलजमान को प्ली बार्गेनिंग के बाद रिहा भी किया जा चुका है। वादा माफ गवाह बनने वालों में सगीर अनवर, गुलाम सरवर शामिल हैं। नामजद मुलजमान ने पुलिस मुलाजमीन की वर्दियों, पेट्रोल समेत दीगर में अरबों रुपए की करप्शन